हे गाइस, दिस इज महेश अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा रैंडम होने वाला है क्योंकि अभी बज रहे रात के 11 और ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। लेकिन मैं अभी नीचे स्केच बना रहा था तो मेरी नज़र में शार्पनर पे गई और वो इतना गंदा हो रहा था। नहीं, छोटे वाला शार्पनर नहीं, मैं बताता हूँ, ये बड़े वाला शार्पनर, ये वाइट कलर का था। कैन यू बिलीव कि ये वाइट कलर का था, इतना गंदा हो चुका है। ये ग्रेफाइट लग लग के, ग्रेफाइट वाले हाथ लग लग के इतना गंदा हो चुका है कि अब इसको धोऊं तो भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ कलर्स में लिपटा लिपटी करके कुछ अच्छा बनाते हैं हम। तो लेट्स गो, वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे आर्ट रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। सो लेट्स गो। सबसे पहला स्टेप है खचाखच स्टेप में हम इसे खच 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 करके सैंड करेंगे। और उससे पहले मैं थोड़े थंबनेल्स ले लेता हूँ। सो गाइस, सैंडिंग हो चुकी है कंप्लीट और ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और सैंडिंग के बाद ही इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क आ चुका है। और अभी फुसफुस प्रोसेस की ओर बढ़ते हुए, और फुसफुस प्रोसेस करने से पहले हमको इसको डिसमेंटल करना होगा। स्प्रे पेंट हो चुका है और ये कुछ इस तरह दिख रहा है। टाडा। और ये इतना अच्छा लग रहा है बाहर से कि मुझे तो आगे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन प्यार किया तो डरना क्या, पल पल आहे फड़ना क्या। और पेंट की तुमसे ना हो पाएगा। गाइस, लेट्स कलर इट। गया गाइस, पेंट करते करते एक प्रॉब्लम आ गई है। जब मैंने प्राइमर के ऊपर पेंट किया तो पेंट अच्छे से चिपक नहीं रहा है और इस पर बहुत सारे कोट मारने पड़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा डल पेंट दिख रहा है। आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इधर तो बहुत ही डल पेंट दिख रहा है। तो अब मैं ऐसा तो नहीं चाहता क्योंकि अगर ऐसा ही पेंट दिखेगा तो मुझे इस पर ही 3 या 4 बार कोट मारना पड़ेगा और इतना टाइम है नहीं, मतलब बहुत वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो मैंने जितना भी एरिया बचा है उस पर मैं वाइट कलर करूँगा, उसके बाद मैं कलर करूँगा तो मुझे एक भी कोट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कलर्स भी एकदम वाइब्रेंट दिखेंगे।
सो गाइस कलरिंग पूरा हो चुका है और अभी बज रहा है रात के 2 समथिंग। मेरे पास एक ही मोबाइल है वरना मैं आपको लाके टाइम दिखा देता, और ये अभी कुछ इतना हुआ है। मैंने इसे कैंडी थीम में पेंट किया है और अभी बॉर्डर्स करना बाकी है, और उसके बाद ये ओवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ये पूरा फिनिश दिखाऊंगा। ये कुछ इस तरह दिख रहा है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही क्यूट दिख रहा है, कलरफुल, और मुझे ऐसा ही चाहिए था। और रुक जाइए जस्ट सेकंड। कंप्लीट देखिए, और ये वाला ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ट्रांसपेरेंट में भी बहुत दाग लग गए थे ग्रेफाइट के, तो मैंने इसको ब्लैक पेंट कर दिया था स्प्रे पेंट। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगले कस्टमाइजेशन के सजेशंस भी मुझे दे दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। मैंने 11 बजे समथिंग स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, अभी बज रहे 2:30 या 2:45 बज रहे, तो एक वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत, तो आप एक लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए बाय। I'm glad you called, I came to rip this like the seam on my drawers. I'm different at remixes, wicked with geniusness. There's so much heat you get lost in the sauce. I listened to this M album, then I did a few reactions. But I saw a couple cowards saying then I didn't know a thing about rap. So now I'ma fry that chicken with a hi-hat to it. If you think you can end me, I'll deny that vision. If you try that, listen, I'll reply back, spin a murder.